नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो कि आपके इंडियन आर्मी में पूछी जाती है वही क्वेश्चन मैं लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपको आज मैथ के क्वेश्चन में बताने वाला हूं, इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और साथ ही साथ जीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको 100% सफलता मिल सके। और हमारी जो नई चैनल है जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप मुझे सब्सक्राइब कर ले और इसके अलावा उसके बगल वाली छोटी सी घंटी को जरूर से दबा ले। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कि जनरल ड्यूटी, इसके अलावा ट्रेडमैन और जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज की कांस्टेबल की पोस्ट आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जो मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट यानी कि आसान भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, सातवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस आपको चार मिल जाते हैं, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा। अपने जितने भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उसका आंसर आप अपने कॉपी में लिखते चले जाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी करनी बाकी रह गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं ऊंट, जिराफ, शुतुरमुर्ग या फिर हाथी। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे जो लंबा जानवर या लंबा जो पशु है वो है दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों शुतुरमुर्ग। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे पशु लिखा हुआ है लेकिन अगर आप इसे जानवर समझ लेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। पशु यानी कि दोस्तों जो पशु होता है उसके बारे में यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात किया जा रहा है, शुतुरमुर्ग इसका ऑप्शन सही होगा। अगर ये पूछता कि कौन सा जानवर सबसे लंबा है तो उस समय आपका यहाँ पे ऑप्शन जिराफ सही हो जाता, लेकिन दोस्तों इसके लिए आठवां का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सी सही होगा। और दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस टाइप एक क्वेश्चन वहां पे पक्का रहता है, क्योंकि कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है या फिर कौन ऊंचा है सबसे, इस सबसे क्वेश्चन वहां पे पक्का एक आता है। तो आप इसे हल्के में ना ले, अपनी तैयारी के लिए आप इसे जो है आप इस क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं इस सारे क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और पहले कमेंट में भी मैंने लिंक दिया है, वहां से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसको आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, जो ऐसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इंडियन आर्मी क्वेश्चन पेपर मिलेगी 7 नंबर करके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे, उसे भी आप डाउनलोड कर ले। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर घोरागिरी। दोस्तों सबसे इसका आसान उत्तर आपको पता है कि सबसे जो ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत शिखर है वो है एवरेस्ट, ऑप्शन बी 9वां का यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया 10वां नंबर पे, भारतीय गणराज्य के सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे ऑप्शन ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग दोस्तों, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं जहांगीर, शाहजहां, बाबर और अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अकबर, ऑप्शन डी, अकबर ने ही जो है दीन ए इलाही धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे 16 का सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितने निर्वाचित किए जा सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पर जो MP होते हैं या फिर संसद सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये पहले तो लगभग
550 के लगभग ये आता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो करंट में है दोस्तों वो आपको याद रखना है कि 552 यानी कि 552 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कह सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा जो है लोकसभा में इतने सदस्य रह सकते हैं 552। तो ऑप्शन जैसा रहेगा आपको उसी के अनुसार वहाँ पर टिक करना होता है। कहीं कहीं 540 भी मिल सकता है आपको, 543 भी मिल सकता है, तो आपको उतना नहीं, जो नियरेस्ट होता है उसको हम लोग टिक करते हैं। वैसे अभी जो है 552 है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन 18 क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। मानसून हवा कौन सी होती है, सबसे आसान क्वेश्चन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों वर्षा ऋतु, यानी कि मानसून के समय क्या आता है, वर्षा आता है, तो ऑप्शन सी यानी कि वर्षा ऋतु की हवाएं यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, तर्क शक्ति की जो क्वेश्चन होती है ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता आपका रीजनिंग का, लेकिन फिर भी ABCD वाला क्वेश्चन बहुत आता है, यानी कि अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फास्ट को, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फास्ट को UTBZ करके लिखा गया है, तो स्लो को क्या करके लिखा जा सकता है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले समझना होगा सीक्वेंस के कैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वैसे इसका आंसर हमने जो है इसमें दे दिया, अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा, यानी कि कैसे आपको सीक्वेंस से बनाना है, जो मैथ के क्वेश्चन है या फिर जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए सारे को आप डाउनलोड कर लेंगे। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप डाउनलोड कर लेना और समझ लेना उसको पूरी अच्छी तरीके से। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, एफ यानी कि एफ है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जी उल्टा लिखा हुआ है, ए के बाद बी आता है यहाँ पे उल्टा है, बी लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों एस के बाद टी आता है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, और टी सबसे लास्ट में उसको, टी के बाद यू आता है उसको पहले लिख दिया गया है। तो बिल्कुल इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर भी हमको जो नेक्स्ट वाला सीरीज बनेगा वो उसी टाइप से बनेगा, यानी कि एस यहाँ पे पहले हम लोग उल्टा चलते हैं दोस्तों, देख लेते क्या है। तो एस है यहाँ पर, तो एस के बाद क्या आता है दोस्तों, तो एस के बाद टी आता है, तो यहाँ पे टी वाला ऑप्शन हमको खोजना होगा। उसके बाद दोस्तों एल के बाद क्या आता है यहाँ पर, ये पूछा गया, तो एल के बाद हमारा क्या आता है वो आपको देखना होगा। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, तो हम लोग को इसको उल्टा चलना होगा दोस्तों, यानी कि उल्टी चाल चलनी होगी। सबसे पहले डब्ल्यू के बाद देखेंगे तो एक्स आता है, यानी कि एक्स वाला यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ओ, ओ के बाद क्या आता है हमारा, तो ओ के बाद हमारा पी आता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों एल के बाद क्या आता है, तो एम आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद टी आता है, तो पूरा का पूरा ये सीक्वेंस मैच कर गया। इसके अलावा इसका आंसर हमने नीचे दे दिया, समझने के लिए आपको पूरा अच्छे तरीका से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट को कैसे बनाना, यहाँ पे पूरा आंसर यहाँ पे बना हुआ है, तो आप इसे देख लें। वैसे तो आपको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे N के बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, N के बाद क्या आता है, तो O आता है, P के बाद Q आता है, R के बाद क्या आता है, S आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है। तो ये सीधा सीक्वेंस में जा रहा है, तो आपको इसको भी सीधा सीक्वेंस में, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि T के पहले या उल्टा चलना है दोस्तों, तो T के पहले क्या आता है, तो S आता है, फिर उसके बाद बोला गया कि U के बाद क्या, V के बाद क्या आता है, तो यू भी के बाद हमारा एक्स आएगा, तो एक्स होगा उसका, यहाँ पे भी है तो दोस्तों उल्टा चलेंगे तो यू हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये वाला आंसर हमें सही दिख रहा है, यही होगा इसका सही उत्तर। उसके बाद एक्स बड़ा है तो डब्लू पीछे आएंगे तो डब्लू आ जाएगा, और जेड छोटा है तो उसके बाद यहाँ पे वाई वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इसी टाइप के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे चेन्नई को तमिलनाडु लिखा गया है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों जैसा कि चेन्नई जो है तमिलनाडु की जो है एक राजधानी है, तो इसमें आपको खोजना होगा कौन सा राज्य है, कौन सा राजधानी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, बड़ौदा गुजरात की राजधानी नहीं है, और इसके अलावा मैसूर कर्नाटक की राजधानी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी भी इसी टाइप से करनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ACFJ करके, और इसका भी यहाँ पे आपको खुद से इसको बनाना होगा। आंसर अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चे इसे सही बना रहे हैं। वैसे हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं आंसर बनाने के बाद। और इसके अलावा दोस्तों मैथ के कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 61 नंबर पर जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, वहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया यदि ए का 90% इक्वल टू बी का 30% है तो बी इज टू ए क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, या फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर पे 62वां नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र जो है गणित में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और 75% जो है वो अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों में पास हो गए। तो बताइए कि यदि 40 छात्र जो है दोनों विषय में पास अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। आगे से हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले जिसमें मैथ के सेपरेट सेपरेट आपको वीडियोस मिलेंगे और इसमें पूरा हल करके आपको बताया जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, सारे चीज़ को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे दोस्तों काम वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एक आदमी कितने दिन में काम करता है, तो आप इसे देखें यहाँ पे कि ए बी सी मिलकर 10 दिन में, ए बी सी जो है एक काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में सीक्वेंस वाइज करता है, यानी कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। ए और बी को मिलाकर काम शुरू होता है, 4 दिन बाद दोनों 4 दिन बाद छोड़ देते हैं और शेष काम जितना बचता है उसको सी पूरा करता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि सी कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन यानी कि आंसर दिया हुआ है, तो आप इसे देखें समझे, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जाए जो कि हमारे नए चैनल पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी army.in, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया है, वहां से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर ले। जाने के बाद वहां पे इंडियन आर्मी क्वेश्चन पेपर 7 जो होगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको पहले से भी मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।